अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में हमने सिलेक्शन टूल किया था और आज हम करेंगे फैदर और कुछ कलर ग्रेडियंट वगैरह पे देखेंगे किस तरह काम होगा। अच्छा, लास्ट हमने ये किया था ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, बिल्कुल लास्ट टूल जो किया था उसको देखिए। हम ये एक इमेज है, उसमें एक द पर्सन इज हियर स्मॉल इमेज है और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ मैं ऐड करता हूँ। इतने बड़े कैनवास के ऊपर वो सब्जेक्ट को आपको सेलेक्ट कर लेगा ऑटोमेटिक, ठीक है। उस तो इधर उधर ट्री पे नहीं गया, माउंटेन पे नहीं गया, वो सिर्फ सब्जेक्ट पे गया। तो ये सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस के ऊपर हो रहा है। अब जो नए सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं वो AI बेस पे ही आ रहे हैं, ठीक है, और ये भी AI बेस पे काम हो रहा है। तो सम टाइम ये नहीं होता कि 100% परफेक्ट हो, 90% 80% हो सकता है, फिर उसको आपको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, अब ये हमने देखा था कि यहाँ से अब जाके अगर मैं डीसेलेक्ट करता हूँ कंट्रोल डी या कमांड डी, और अच्छा ये मैं ऑन कर लूँ अपना सॉफ्टवेयर ताकि कीज़ आपको नज़र आती रहे, ठीक है। अच्छा, रेक्टेंगल एंड लैसो दो ऑप्शन है ना हमारे पास। ये अगर हम ख़ुद उसको एरिया बता दें तो यहाँ से वो ख़ुद सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है, या फिर लैसो टूल से भी आप एरिया बता सकते हैं कि हमने इतना एरिया करना है भाई, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो गया। फिर देखें ये सब प्लस प्लस करना है, माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ये वही ऑप्शन है जो आपके मॉर्फी टूल में आ रहे थे, देखिए, ठीक है। यही टूल है, यही लैसो टूल में भी आ रहे थे ऑप्शन, तो यही टूल्स आपने इनमें भी आपको इसमें भी मिल जाएंगे आपको, ठीक है, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन में। तो यहाँ से ये यूज़ कर सकते हैं आप। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर आ रही है ऑल सैम्पल लेयर्स, जिसको हम ज़रा देखना है, ये ऑल सैम्पल लेयर्स, ठीक है, ये क्या चीज़ है। अगर फर्ज करें मैं एक और लेयर बना लेता हूँ और यहाँ कुछ मैं कुछ कॉपी कर लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल भी मैंने सब्जेक्ट सिलेक्शन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल सी ये कमांड सी कॉपी कर लिया और वापस मैं अपनी प्रीवियस फाइल पे आ गया। प्रीवियस फाइल पे जाने के लिए देखिए आप यहाँ से भी जा सकते हैं, विंडो पे जाएं और यहाँ से भी जा सकते हैं, ठीक है, और कंट्रोल टैब से भी जा सकते हैं, ठीक है। मैक में हो तो मैक में कंट्रोल टैब से आप स्वाइप कर सकते हैं, जितने भी आपने कैनवास ओपन किए होंगे कंट्रोल टैब से स्वाइप कर सकते हैं, ठीक है। और ओनली टैब प्रेस करें तो ये आपका जो विंडोज़ हैं सब विंडोज़ वो हाइड हो गई हैं, ठीक है। अगेन आप टैब प्रेस करें तो वो शो हो जाएंगी, और ये जो आपकी प्रेजेंटेशन है आपके जो कैनवास है अगर आप चाह रहे हैं ये ब्लैक आ जाए, एफ़ प्रेस कर लें एफ़, ठीक है, अगेन एफ़ प्रेस करें तो ये ब्लैक मोड में हो गया, ठीक है। दोबारा एफ़ प्रेस करें तो ये नॉर्मल हो जाएगा, उसके बाद टैब प्रेस कर लें, ठीक है। और ये सब चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं, ये देखिए एफ़ शॉर्टकट आ रहा है इसका, ठीक है। डायरेक्ट मैं फुल स्क्रीन मोड में चला जाऊँ, ठीक है, ठीक है, और स्किप कर दें तो आप वापस नॉर्मल भी आ सकते हैं। अच्छा, हम बात कर रहे थे जी, मैंने इसको सिलेक्शन करना है तो ये सैम्पल ऑल लेयर्स क्या चीज़ है। कमांड वी मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल वी पेस्ट हो गया, ठीक है। देखें ये एक सेपरेट लेयर पे, ठीक है, और जैसे मैं मूव कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब देखें ये अलग लेयर पे, लेयर वन पे, अगर मैंने लेयर बना ली थी, अगर लेयर नहीं भी बनाया तो जब पेस्ट करेंगे फोटोशॉप पे तो ऑटोमेटिक लेयर जनरेट हो जाती है, ठीक है। तो ये लेयर वन पे आ रहा है और ये हमारा बैकग्राउंड पे। अब मुझे क्या करना है, मैं जब जाता हूँ सिलेक्शन पे, ठीक है, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, और यहाँ जब क्लिक करता हूँ तो आपका सिर्फ ये वाला जिस लेयर पे आप खड़े हैं, ठीक है, तो कौन सा आपका ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा, जिस लेयर पे आप खड़े होंगे वो ऑब्जेक्ट आपका सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक। अच्छा, अगर मैं सैम्पल ऑल लेयर ऑन कर लूँ, ये वाला ऑप्शन ऑन कर लूँ, ये देखें, ठीक है, ये मैं ऑन कर लेता हूँ, और अब मैं इसको कंट्रोल डी या कमांड डी से डिसलेक्ट कर रहा हूँ, अब मैं सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब क्या हुआ, दोनों सेलेक्ट हो गए ऑब्जेक्ट, सही। उसने क्या किया, ऑल लेयर्स सैम्पल ऑल लेयर सब तमाम लेयर जितने लेयर्स होंगे उन सभी जितने भी आपके ऑब्जेक्ट्स होंगे उनको वो AI बेस पे सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। अदरवाइज अगर इसको ऑफ रखते हैं आप तो उसके बाद उससे क्या होगा, आप जिस लेयर पे खड़े होंगे सिर्फ उसी लेयर का सब्जेक्ट सेलेक्ट करेगा, ठीक है। ये देखिए मैं बैकग्राउंड पे खड़ा हूँ
तो ये बैकग्राउंड सेलेक्ट हो गया। अगर मैं लेयर वन पे होऊंगा तो लेयर वन सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है, लेयर वन सेलेक्ट हो। अगर मैं ये ऑन कर लेता हूँ और उसके बाद हिट करता हूँ तो आपके पास जितने लेयर्स हैं उन सब पे जो सब्जेक्ट होगा वो सेलेक्ट हो जाएगा, सी। ठीक है जी, तो ये एक ऑप्शन था जो मैं लास्ट क्लास में बताना भूल गया था, तो ये मैंने आज मैं आपको बता दूँ। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है जब हम इसको सेलेक्ट करते हैं लैसो टूल को या मार्कर टूल को, ऊपर ऑप्शन आ रहा था फेदर का, ठीक है। मैं इस लेयर को फिलहाल बंद कर रहा हूँ, बैकग्राउंड लेयर पे आ रहा हूँ, ठीक है। अब ये फेदर क्या चीज़ है, अगर अभी इसकी वैल्यू ज़ीरो है, मैं क्या करता हूँ यहाँ कुछ बना लेता हूँ सिलेक्शन। सिलेक्शन बनाने के बाद मैं इसमें कलर फिल कर लेता हूँ, ऑल्टर बैक स्पेस या कंट्रोल बैक स्पेस या कमांड बैक स्पेस, ठीक है। ये कलर वाइट फिल हो गया बिकॉज मैंने कंट्रोल बैक स्पेस किया, तो ये वाइट वाला कलर आ गया बैकग्राउंड कलर। अगर मुझे फोरग्राउंड कलर चाहिए तो ऑल्टर या ऑप्शन बैक स्पेस, ठीक है। अच्छा, इसके जो एजेस हैं वो देखें आप, कंट्रोल प्लस से मैं इसको जूम कर रहा हूँ, एजेस इसके शार्प आ रहे हैं, ठीक है। मुझे अगर एजेस इसके सॉफ्ट चाहिए तो क्या करना होगा, अनडू कर रहे हैं पहले हम, ठीक है, और फेदर की वैल्यू दे देते हैं 25 दे देते हैं, ठीक है। और अब जाके दोबारा कलर फिल करते हैं, ऑल्टर बैक स्पेस, नहीं ये तो कुछ भी नहीं हुआ, कोई फ़र्क नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि आपने सिलेक्शन पहले से बना लिया था, अंडू करें और सिलेक्शन आपको दोबारा बनाना होगा। तो यहाँ से जो आप फेदर की वैल्यू देंगे, ऑलरेडी जो सिलेक्शन बनाई है उस पर कोई फ़र्क नहीं होगा, तो आपने क्या करना होगा, एक नया सिलेक्शन बनाना होगा, ठीक है। अब देखिए इसके एजेस कर्व हो गए, अब जब कलर पोर करेंगे इसमें ऑल्टर बैक स्पेस तो क्या हुआ, एजेस सॉफ्ट हो गए इसके, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका कलर फिल करने का, आप बकेट पे जाएं, जी प्रेस कर ले या तो, या ये बकेट आ रहा है पेंट बकेट, ठीक है। देखें इसमें क्या किया है, ग्रेडियंट टूल है, 3D मटेरियल ड्रॉप्स है, ये हम बाद में करेंगे, आज हम ये दोनों चीज़ें देखेंगे, ठीक है। अच्छा, इन तीनों की शॉर्टकट सेम है, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट करें, ये सेलेक्ट था मेरे पास ग्रेडियंट सेलेक्ट था, ठीक है, देखें ग्रेडियंट टूल सेलेक्ट है ना, और मुझे सेलेक्ट करना है बकेट। तो अगर मैं मूव टूल पे खड़ा हूँ और मैं जी प्रेस करता हूँ तो क्या सेलेक्ट हुआ, बिकॉज यहाँ ग्रेडियंट नज़र आ रहा था तो ग्रेडियंट वाला टूल सेलेक्ट हो गया, मगर मुझे चाहिए बकेट, तो आपने क्या करना होगा, शिफ्ट जी करना होगा। जी तो उसकी शॉर्टकट है, सिंपल जी प्रेस किया आपने। अगर मैं वी प्रेस करता हूँ, सिंपल वी, तो क्या होगा, मूव टूल सेलेक्ट हो गया। एम प्रेस करता हूँ, देखें मार्कर टूल सेलेक्ट हो गया, ठीक है। और अगर टी प्रेस करूँगा तो टेक्स्ट टूल सेलेक्ट हो जाएगा आपका, देखें टेक्स्ट टूल सेलेक्ट हो गया। इसी तरह जी प्रेस करूँगा तो आपका जो भी इस टूल में इस वक्त नज़र आ रहा होगा, चाहे वो ग्रेडियंट हो चाहे वो आपका जो भी ऊपर होगा, वो सेलेक्ट हो जाएगा। अब मुझे उसके फर्दर, उसके अंदर जो टूल जा रहे हैं वो सेलेक्ट करने हैं, तो उसके साथ आप शिफ्ट प्रेस करेंगे, शिफ्ट जी जो भी है, अगर टेक्स्ट टूल पे तो शिफ्ट टी करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखें टेक्स्ट टूल में भी चार टूल है और सब सबका जो शॉर्टकट है वो टी आ रहा है, ठीक है। देखें सबका शॉर्टकट क्या है, टी है, तो जो फर्स्ट सेलेक्ट होगा, ठीक है, तो वही आपके शॉर्टकट से सेलेक्ट हो जाएगा। उसके फर्दर, उसके अंदर जो टूल है उसको सेलेक्ट करने के लिए आपको शिफ्ट प्रेस करना होगा उसी की शॉर्टकट के साथ, ठीक है। तो हमने क्या करना है, जी प्रेस करना है, ग्रेडियंट सेलेक्ट हो गया, मुझे बकेट चाहिए था, शिफ्ट जी करूँगा तो ये बकेट आ गया, ठीक है। अगेन अगर मैं शिफ्ट जी करता हूँ तो 3D बकेट आ गया, अगेन दोबारा मैं करता हूँ शिफ्ट जी तो ये क्या आ गया, आपका ग्रेडियंट आ गया, ठीक है। तो शिफ्ट जी से स्वैप करा होगा, ठीक है, टूल्स आपके स्वैप करेंगे शिफ्ट दबाने के बाद, ये तो बकेट आ गया, बकेट से मैं पोर कर दूँ कलर, ठीक है, कलर फिल हो गया सॉफ्ट उसके एजेस हैं, ठीक है। आपको मज़ीद सॉफ्ट करने हैं, अंडू करें इसको, जाके हम वैल्यू मार्कर टूल पे जाते हैं, इसकी वैल्यू हम 100 कर देते हैं, 100 वैल्यू कर दी, 100 पिक्सल्स। अब हम दोबारा एक बना लेते हैं सिलेक्शन, ठीक है, देखिए ज़्यादा कर्व हो गया। अब मैं कलर पोर कर देता हूँ इसी से बकेट से, ठीक है। तो अच्छा, ये क्या हुआ है, ये इसलिए हुआ है कि हमने गलती से बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो उसने क्या किया, जब कलर बकेट से पोर करेंगे किसी भी इस तरह की चीज़ में, तो वो उसके जो बैकग्राउंड कलर है उस पर कलर डायरेक्ट करेगा और वो इसको सिलेक्शन को इग्नोर कर देगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इनके सिलेक्शन के अंदर तो रहेगा मगर उसके जो शेड्स होंगे उस शेड्स में जाके कलर कर देगा, क्योंकि पीछे स्काई था, स्काई में डिफरेंट कलर्स आ रहे थे ना, थोड़ा शेड्स आ रहा था, ग्रेडियंट था थोड़ा सा, तो उसने एक शेड्स को सेलेक्ट किया और उस पर उनके टॉलरेंस पे डिपेंड कर रहा होता ना ये, अगर मैं टॉलरेंस बढ़ा दूंगा इसका तो वो इसको भी बढ़ा देता। देखिए मैं अगर टॉलरेंस कम कर दूं, सी कितने एरिया पे लिया है, अगर टॉलरेंस और कम कर दूं, देखें कितने एरिया पे लिया उसने,
हालांकि करना तो पूरी सिलेक्शन में चाहिए, मगर बकेट से क्या होता है वो टॉलरेंस पे डिपेंड कर रहा होता है कितने अगर बैकग्राउंड पे खड़े हैं आप। अगर मैं न्यू लेयर पे आ जाता हूँ तो वो फिर कुछ भी हो मसला नहीं है, देखें कलर पोर्ट कर दी डायरेक्ट मैंने, वो मसला नहीं है। ठीक है एक और लेयर बना लेता हूँ मैं, लेयर 2। ठीक है ना, पूरी लेयर्स पे कलर हो गया पूरी सिलेक्शन के अंदर। अगर आप बैकग्राउंड पे उसमें कोई कुछ जो है डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं, फिर ये टॉलरेंस आपका मसला करेगा। ठीक है, और अगर मैं इसको और बढ़ा दूँ, फिर उसने देखें फुल सिलेक्शन में कर दिया कलर, फिर उसने इग्नोर कर दिया आपके बैकग्राउंड को। सही, तो ये डिपेंड कर रहा है आपके टॉलरेंस के ऊपर। ठीक है, 42 किया तो उसने इसको इग्नोर कर दिया, कलर शेड्स कम ले लिए। तो ये यहाँ से क्या होता है, टॉलरेंस से कलर शेड्स बढ़ाता है वो, जिस तरह हमने फॉर एग्जांपल मैं कंट्रोल डी कर रहा हूँ, अभी कमांड डी कर रहा हूँ, हमने ये किया था मैजिक वैंड से अगर मैं सिलेक्शन करता हूँ, यहाँ भी देखें टॉलरेंस आ रहा है, यहाँ हिट करता हूँ मैं तो इतना एरिया उसने सेलेक्ट कर लिया, मैं यहाँ हिट करता हूँ तो इतने एरिया सेलेक्ट कर लिया, सॉलिड जो है ना आपके कलर्स ले लिए, शेड्स कम से कम लेगा। यहाँ अगर मैं टॉलरेंस बढ़ाऊंगा तो वो शेड्स बढ़ा देगा। 40 क्या है, अगेन मैं हिट करता हूँ यहाँ पे तो ज़्यादा देखें सिलेक्शन कर लिया उसने, Ctrl 0 Command 0। ठीक है, और टॉलरेंस बढ़ा दूँ मैं और Ctrl DD सेलेक्ट किया, आप हिट किया तकरीबन स्काई सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है टॉलरेंस पे जो आपके कलर शेड्स बढ़ाता है। चले वापस आते हैं, हम बात कर रहे थे मार्की टूल में फेदर की। ठीक है, फेदर मैंने 100 लिया है और मैं अब जाके दोबारा सिलेक्शन करता हूँ। ओप्स, ये तो उसने नोट दे दिया मुझे, वार्निंग नो पिक्सल आर मोर देन 50% सिलेक्टेड, द सिलेक्शन एज विल बी नॉट विजिबल। ठीक है, तो हो क्या रहा है, आपने क्या किया है, जो आपने यहाँ 100 पिक्सल्स का तो फेदर दिया है और जो आप बनाने जा रहे हैं वो बहुत छोटा है, आपका सिलेक्शन छोटी है। ठीक है, जिसकी वजह से उसने नोट दे दिया था। अब मैं थोड़ी सी बड़ी सिलेक्शन बनाई है तो उसने उसको ले लिया है। ठीक है, अगर छोटी सिलेक्शन बनाऊंगा और फेदर की वैल्यू ज़्यादा होगी तो वो ये नोट दे देगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये डिपेंड कर रहा होता है फेदर आपकी सिलेक्शन के बेस पे, सिलेक्शन थोड़ी सी फिर बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, लाइक देखें अभी ये मैं इतना करता हूँ तो देखें तक मैं सर्कल कर दिया, अब अल्ट्रा बैक स्पेस कलर फिल किया तो कितना सॉफ्ट हो गया। ठीक है, अच्छा एक ही हो गया। दूसरी चीज़ इसी तरह लैसो पे आ जाएं हम, तो लैसो में यही फायदा आ रहा है और मैं अभी 0 फायदा है, मैं कुछ बना लेता हूँ। ठीक है, एक मिनट सिलेक्शन बनाई है, अब मुझे बाद में याद आता है जी मुझे इसमें, अच्छा मैं एक और इसमें ऐड कर लेता हूँ, मैं शिफ्ट प्रेस किया और इसमें मैंने ये ऐड कर ली, सॉरी यहाँ देखें फायदा था ना और यहाँ फायदा नहीं था। अब हम इसको ऑल्टर बैक स्पेस करके देखते हैं। ठीक, सी जो लीनियर बना हुआ था लैसो से वहाँ तो सॉफ्ट नहीं हुआ, जो हमने रेक्टेंगल से थोड़ा सा ऐड किए थे कलर यहाँ सॉफ्ट हो गया। ठीक है, अंडू करें, दोबारा मैं इसमें से ले लेता हूँ थोड़ा सा बड़ा साइज, शिफ्ट प्रेस किया, सॉरी शिफ्ट प्रेस कर लें, और उसके बाद आपने जब सिलेक्शन किया, अब ये क्या हुआ, ये वाला एरिया आपका फेदर हो जाएगा और ये आपका लीनियर आएगा, एक ही सिलेक्शन है। ठीक है, ऑल्टर बैक स्पेस थी तो ये वाला जो सिलेक्शन था ये आपका लीनियर आ रहा है, सॉलिड आ रहा है और ये फेदर आ रहा है, एक ही सिलेक्शन में। ठीक है, तो वो डिपेंड कर रहा है आपके फेदर के ऊपर, क्योंकि यहाँ तो फेदर आ रहा है मॉर्क्यू पे और लैसो पे आपने फेदर 0 रखी हुई थी वैल्यू। ठीक है, अच्छा चलें एक और चीज़ देखें, एक और मैं सिलेक्शन बना रहा हूँ, सिलेक्शन बनाने के बाद इसमें मैंने एक और सिलेक्शन ऐड कर दी जी, ये हो गई एक और सिलेक्शन यहाँ से मैंने ऐड कर दी। ठीक है, अब मुझे मैंने बड़ी मेहनत से जी सिलेक्शन बनाई है, अब मुझे बाद में याद आता है जी इसमें तो मैंने फेदर ही नहीं किया और मुझे फेदर करना था यहाँ पर कोई 20 या 25 फेदर करना था, अब मैं फेदर की वैल्यू दूँ दोबारा सिलेक्शन करूँ तो टाइम वेस्ट होगा। तो उसके लिए आसान तरीका है, आप सिलेक्शन बनाने के बाद भी फेदर कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह, आप सेलेक्ट में जाएँ, मॉडिफाई में आ जाएँ, ठीक है, और ये फेदर, ठीक है फेदर को सिलेक्ट करें और वैल्यू यहाँ पुट कर दें, मैं 25 कर लेता हूँ। ओके, देखें हो गए सॉफ्ट हो गए, सी अल्ट्रा बैक स्पेस कलर फिल हो गया। ठीक है, दोबारा अंडू करूँ और अब मैं अगेन फिर जाके ना, अभी देखें अल्ट्रा बैक स्पेस से ये लीनियर आ रहा है, फेदर नहीं किया मैंने, अंडू कर लिया था, अब मैं दोबारा जाके फेदर अप्लाई कर रहा हूँ, मॉडिफाई फेदर, अब मैं वैल्यू दे रहा हूँ 100। ठीक है, ओके तो ये हो गया, उनके साइज़ बड़ा था अल्ट्रा बैक स्पेस मगर शेप देखे बिल्कुल ही आउट हो गया, दोबारा अंडू कर रहा हूँ, अब मैं जाके इसको वैल्यू दे रहा हूँ
250, ठीक है, नोट आ गया, ठीक है, क्योंकि आपने जो फैदर अप्लाई किया है वो 250 बहुत ज़्यादा है, आपकी सिलेक्शन छोटी है, तो ये जब भी नोट आए तो समझ जाइएगा कि आपने मैक्सिमम कर दिया है, उसका साइज़ फिर आप कम कर लें, अंडू कर लें, सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी इस तरह करने से, तो हम दोबारा आ जाते हैं, तो ये 100 भी इनफ है, जब भी हमने 100 किया था, ये भी देखें उसका शेप आउट हो गया था, 150 करके देखते हैं, 150 में हो गया, देखें बिल्कुल वो सर्कल ही बन गया, फ़ायदा क्या हुआ, ठीक है, तो ये ज़रूर इसका ख्याल रखिएगा जब भी आप फाइदर अप्लाई करें। अच्छा, एक और तरीका है, अगर आपने ये सिलेक्शन बना लिए, सिलेक्शन को सेव कर लेते हैं हम, ठीक है, सेलेक्ट में जाएं और सेव सिलेक्शन कर लें और ओके कर दें, सेव सिलेक्शन, ठीक है, ओके कर दें, इसको अब डी सेलेक्ट कर लें आप, सिलेक्शन ख़त्म हो गई आपकी, ठीक है, अपने सॉफ्टवेयर को बंद कर दें, फाइल को सेव करें, बंद कर दें, दोबारा रीओपन करेंगे, आपको वही सिलेक्शन दोबारा चाहिए, सेलेक्ट में जाएं, लोड सिलेक्शन में जाएं, ठीक है, और यहाँ आपका अल्फा वन के नाम से सेव हुआ होगा वो, ठीक है, और ये सेव हो गया, ओके, इसको लोड कर लिया आपने, लोड हो गया, वो जो सिलेक्शन आपने बनाई थी वो वापस आ गई आपके पास, ठीक है। अच्छा, इसको प्रैक्टिस करें कि ये फैदर किस तरह करना है, और उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता रहा हूँ कि इसमें ग्रेडियंट किस तरह करना है। सॉलिड तो आपने देख लिया, ऑल्टर बैक स्पेस एंड अंडू किया मैंने, कंट्रोल बैक स्पेस, ठीक है, ऑल्टर बैक स्पेस से फोरग्राउंड कलर और ये बैकग्राउंड कलर जो आएगा कंट्रोल बैक स्पेस या कमांड बैक स्पेस से, ठीक है, और कलर चेंज करना है, इस किसी भी क्यूब को हिट करें और यहाँ जाके मैं इसको रेड कर लेता हूँ, अगर ओके करें कंट्रोल बैक स्पेस या कमांड बैक स्पेस तो आपका रेड फिल हो गया। अच्छा, अब आपको अगर ये कलर ऊपर लेकर आना है, रेड वाली जो क्यूब है ये ऊपर लेकर आनी है, ब्लू नीचे लेकर आनी है बैकग्राउंड पे, तो यहाँ से हिट करें तो ये स्वाइप करेगा कलर, ठीक है, ठीक है, उसका शॉर्टकट एक्स है, एक्स प्रेस करेंगे तो ये स्वाइप हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको अगर हम हिट करते हैं, यहाँ कुछ और कलर ले लें, अच्छा इसमें आप ये आपके पास कलर पिकर आ रहा है, एच एस बी ह्यू सेचुरेशन ब्राइटनेस, ये हम आगे देखेंगे ये क्या है। अच्छा, हमारे यहाँ जो यूज़ होता है ना कलर, वो RGB यूज़ होता है या CMYK, प्रिंटिंग के लिए हम CMYK के यूज़ कर रहे होते हैं और डिजिटल के लिए हम RGB यूज़ कर रहे होते हैं, या प्रैक्टिस भी कर रहे हैं आप लोग तो RGB यूज़ कर लें, ठीक है, आपको अगर कलर वैल्यू मालूम है तो आप वो कलर वैल्यू पुट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर 255 कर देता हूँ और ग्रीन 0 कर लेता हूँ और ब्लैक भी 0 कर लेता हूँ, सॉरी ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू, तो क्या हुआ रेड हो गया प्योर रेड, ठीक है, बाकी ग्रीन और ब्लू की वैल्यू इसमें 0 आ रही है, ठीक है, अगर इसमें ब्लू मैं 100 कर लूँ, ठीक है, सही, थोड़ा पर्पलिश हो गया, ठीक है, तो इस तरह अगर कोई वैल्यू आपको मालूम है RGB की तो वैल्यू यहाँ डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। ये आप CMYK पे आ जाएं, CMYK में सयान को फ़र्ज़ करें मैं कर देता हूँ 100, ठीक है, और ये मैं 0 कर लूँ मजेंटा, और जो येलो है ये भी मैं 0 कर दूँ, तो देखें आपके सामने सयान बन गया और 100% से आन, ठीक है, तो ये वैल्यू अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा ड्रैग करता हूँ तो देखें ये वैल्यू चेंज हो गई, इसमें इस कलर के अंदर ये न्यू कलर है, ये जिस कलर से हमने चेंज किया है, देखो वापस आपको ये चाहिए करंट तो अब ये आ गया, ठीक है, और अगर आप चेंज कर लेते हैं यहाँ से तो ये न्यू कलर, ये ओल्ड कलर हो गया, क्योंकि तो हम ये रेड से हमने हिट करके यहाँ पर आए थे ना। अच्छा, ये हमने कलर सेलेक्ट कर लिया, आप देखें इसमें वैल्यू सयान की 94 है और मैजेंटा 80% है, येलो 0 है, ब्लैक 0 है, ठीक है, तो इस तरह आप ये, आपको ऑलरेडी कोई वैल्यू पता है, कोई किसी कंपनी का लोगो है वो बताते हैं जी हमारे CMYK जो इतना इतना कलर है, तो वो आपने वही कलर यहाँ पुट कर देना और वो आपको रिजल्ट मिल जाएगा, उसको आप चाहें तो सेव कर लें, ठीक है, ऐड टू स्वाचेस कर लें और वो सेव हो जाएगा आपके पास, और ओके कर दें, ठीक है। अच्छा, तीसरा, ये नीचे कुछ कलर कोड्स आ रहे हैं, देखना आप, कलर कोड्स आ रहे हैं, हैश का निशान है और ये कलर कोड्स हैं, ठीक है, अगर मैं यहाँ वाइट कर लूँ तो क्या आ रहा है, 6 टाइम FF आ गया, ठीक है, FF 6 टाइम आ रहा है, अगर मैं ब्लैक कर लेता हूँ तो 00 6 टाइम, ये कलर कोड है जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं, HTML करते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, तो उसमें जो कलर कोड यूज़ होते हैं वहाँ पर हम ये वाले वैल्यू पुट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कलर मुझे चाहिए अपनी वेबसाइट के बैकग्राउंड पे, या किसी बैनर के बैकग्राउंड पे, या किसी भी टेक्स्ट पे, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, ये वाला कोड जो है कॉपी करूँगा और अपने HTML में जाके इसको पेस्ट कर दूँगा, आगे जब हम वेबसाइट डिज़ाइनिंग देखेंगे तो वहाँ मैं आपको बताऊँगा किस तरह करना है, ठीक है, तो अभी फ़िलहाल आप समझ गए RGB और CMYK के कलर, ठीक है, तो ये आपको सेव कर सकते हैं और उसको आप ओके कर लें, तो ये कलर चेंज हो गया,
अच्छा स्वाचेस पे आ जाए विंडो, और ये आपकी स्वाचेस है ठीक है, वो कलर हमने अगर बनाया होता तो वो यहाँ सेव हो जाता ठीक है, तो इसकी फ़िलहाल हमें ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी आगे हमारे पास था ग्रेडियंट, ये तो आपने सीख लिया कि आपने जस्ट सॉलिड कलर किस तरह फिल करना है और ग्रेडियंट किस तरह फिल करना है। ग्रेडियंट पे आ जाएं और जो ये इसके ड्रॉप डाउन पे आ जाएं, जब ग्रेडियंट आप सेलेक्ट करेंगे तो ऊपर इसके टूल्स आ जाएंगे, ऑप्शन भी ऊपर आ जाएंगे ठीक है। तो फर्स्ट देखें बेसिक्स पे आ जाएं, बेसिक्स हैं ये मेरे पास 2021 है तो इसलिए इस तरह आ रहा है, आपके पास ओल्ड वर्जन होगा तो ये इस तरह नहीं आएगा ठीक है। और यहाँ आ जाएं न्यू ग्रेडियंट, टेक्स्ट में आ जाएंगे आप, टेक्स्ट स्मॉलेस्ट ठीक है, ये चेंज कर सकते हैं यहाँ से आप लार्ज ठीक है, टेक्स्ट टेक्स्ट ओनली, तो ये आ जाए सिर्फ टेक्स्ट में आ रहा है ठीक है। और अगर मैं स्मॉल थंबनेल कर दूँ तो ये देखें स्मॉल थंबनेल आ रहे हैं, और लार्ज कर दूँ तो थंबनेल्स बड़े हो जाएंगे सी ठीक है। अच्छा इंपोर्ट भी कर सकते हैं ग्रेडियंट, आप नेट से आपको मिल जाएंगे ग्रेडियंट ठीक है। न्यू ग्रेडियंट प्रीसेट बनाना है आपको, न्यू पे ही हिट कर दें और यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे न्यू और इसको सेव कर लेंगे। किस तरह देखें, ये जो इलस्ट्रेटर में देखा होगा आपने किस तरह किया था हमने, वही बिल्कुल ग्रेडियंट एडिटर उसी तरह है ठीक है। तो ये देखें नीचे जो क्यूब्स आ रहे हैं ये कलर क्यूब्स हैं, और जो ऊपर वाले क्यूब्स हैं ये ट्रांसपेरेंसी क्यूब्स हैं। नीचे वाले क्यूब्स को मैं सेलेक्ट करता हूँ तो ये वाले जो स्टॉप्स हैं आपके ये अभी हाइट है, क्योंकि बिकॉज हमने कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया है ना, किसी भी क्यूब को सेलेक्ट नहीं किया। जैसे मैं किसी भी क्यूब को सेलेक्ट करता हूँ, किसी एक को, ये मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ ठीक है, तो ये ऑन हो गया ठीक है। तो ये फर्स्ट वन इसका कलर आ रहा है जो ब्लैक कलर है यहाँ पर ठीक है। सेकेंड इसकी लोकेशन आ रही है, अगर मैं इसको मूव करता हूँ देखें यहाँ से मूव कर रहा है ये ठीक है, स्लाइडर मूव करने से ये वैल्यू, तो आप वैल्यू यहाँ भी पुट कर सकते हैं ठीक है। और अगर आपको डिलीट करना है तो डिलीट दबा देंगे तो ये डिलीट हो जाएगा ठीक है। अच्छा खैर मैं अभी कलर चेंज कर लेता हूँ, ड्रॉप डाउन से भी कर सकते हैं आप, तो मैं अगर फोरग्राउंड ले लूँ तो ये कलर आपका आ गया ठीक है। ये आप इसको हिट करें और यहाँ से जाके खुद से चूज़ कर लें कलर ठीक है, ये कलर आ गया, और स्लाइडर से इसको मूव कर सकते हैं ठीक है। खैर अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, और यहाँ वाइट की जगह में जाके वाइट को हिट करें क्यूब को, और यहाँ जाके मैं येलो कर लेता हूँ ठीक है, ओके ठीक है। तो ये दो कलर्स आपके वहाँ के, अब मुझे मुझे इसमें एक और कलर चाहिए, ये अभी दो कलर को चेक कर लेते हैं, ओके करें न्यू करें और ये सेव हो गया आपका, ओके कर दें ठीक है। अब ये बॉटम पे आ रहा होगा आपके पास, ये सेलेक्ट करें और ये अप्लाई कर लें, जस्ट ड्रैग करें, ये अप्लाई हो गया। अभी मैंने जितना आपको मेरा ऑब्जेक्ट था उतना ही बड़ी मैंने स्टिक इस तरह ड्रैग किए तो इक्वली वो डिवाइड हो गया कलर। अगर मैं स्टिक का साइज़ छोटा करता क्या हुआ, ग्रीन कम हुआ और येलो बढ़ गया। अगर स्क्रीन का साइज स्टिक का साइज़ मैं और बड़ा कर लूँ तो क्या होगा, ग्रीन बढ़ जाएगा येलो कम हो जाएगा सही। तो ये डिपेंड कर रहा होता है आपके स्टिक के साइज़ के ऊपर, जितना आप उसके साथ प्ले करेंगे ठीक है, क्लियर है। अच्छा मैं इसको अंडू कर रहा हूँ, कंट्रोल डी, मैं इसको बंद किया है, मैं फ़िलहाल एक और लेयर ले रहा हूँ और मैं एक सर्कल बना रहा हूँ ठीक है। यहाँ मुझे ग्रेडियंट अप्लाई करना है, जी प्रेस कर लें, और ये कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, ये लीनियर है देखें, लीनियर कलर फिल हो रहा है, अंडू कर लें। उसके बाद ये आपके पास सीरीडियल है ठीक है, और इसी तरह अगर मैं इसको शॉर्ट स्टिक करता हूँ तो इस तरह आएगा ठीक है, तो वो स्टिक पे डिपेंड करता है, लॉन्ग कर लूँ इस तरह हो जाएगा ठीक है, बिल्कुल टेनिस से कर लूँ से ठीक है। तो ये आपके स्टिक पे डिपेंड कर रहा होता है, तो इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा। इसमें और भी ऑप्शन हैं, ये ऑप्शन देख लें ठीक है, ये ऑप्शन देख लें ठीक है। तो इसके अलावा अगर आपने इसको फर्दर टू कलर से ज़्यादा करना है तो इसको हिट करें यहाँ से, इसी को हमने मॉडिफाई करना है, अगर अदरवाइज हम न्यू भी कर सकते थे हम जाके इसको सेव, तो हमने सेव कर लिया तो यहाँ जाएं और न्यू कर लें, न्यू ग्रेडियंट ठीक है। और वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको ब्लैक एंड वाइट दे देगा, आपको वो रिक्वायर्ड ये वाला कलर है, ये आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। बिटवीन द टू क्यूब्स आप हिट करें तो एक और क्यूब बन गया, या कहीं भी हिट कर देंगे एक और क्यूब बन जाएगा, बाय डिफ़ॉल्ट कलर आ गया बिकॉज यहाँ फोरग्राउंड कलर था, इसको आप चेंज कर लें ठीक है, और सॉरी ठीक है जी। तो इस तरह आप सिमिलर हो गया ठीक है, तो इसको भी आप ड्रैग कर सकते हैं ठीक है, और जितने चाहें आप इसमें कलर क्यूब्स ऐड कर सकते हैं ठीक है, उनके कलर चेंज कर लें।
इसको मैं, ठीक है जी, ये कलर मैं, सॉरी, ठीक है, सेंटर कलर कुछ और कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखें डिफरेंट कलर्स आ गए। अब इसमें कोई भी कलर आपने डिलीट करना है, उसको सेलेक्ट करें क्यूब को और ये डिलीट प्रेस कर दें, या फिर इसको होल्ड करें, डाउन ड्रैग कर दें, या इसको सेलेक्ट करें और अब ड्रैग कर दें अप साइड, तो ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, और दोबारा आपने बनाना है, ये फिंगर आ रही है, आप जस्ट हिट कर दें और ये न्यू जनरेट हो गया। ठीक है, इसी तरह जो ऊपर वाले क्यूब्स हैं, इसको जब हम हिट करेंगे तो इसकी ओपेसिटी ऑन हो गई है, ओपेसिटी अगर आप कम करते हैं तो यहाँ से ये ट्रांसपेरेंट हो गया। ठीक है, और इसी तरह आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट 1 एंड 2 दो आपको क्यूब्स दिए हुए हैं, आप और बनाना चाहते हैं जितने चाहे बना लें। मैं सेंटर में हिट करता हूँ, तो मैं सेंटर से, मुझे ओपेसिटी कम करनी है, 50 कर दूँ। ठीक है, तो इतना ट्रांसपेरेंट हो गया, या मैं 0 कर देता हूँ। ठीक है, उसको न्यू सेव कर लूँ। ओके, ठीक है जी, मैं एक और लेयर बना रहा हूँ और यहाँ मैं ये वाला फिल कर रहा हूँ, कौन सा, ये जो नया बनाया है, उसको तो सेलेक्ट कर लें और लीनियर पे आ जाएं, ये चेक करें, देखें सेंटर से ट्रांसपेरेंट है, ये टॉप पे कलर है, बॉटम पे कलर है, सेंटर से ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, तो इस तरह आप ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं अपने कलर्स ग्रेडियंट को। ठीक है, अगर मैं इसको 100 कर दूं, ठीक है, और यहाँ मैं इसको 0 कर लूं, ठीक है, अब देखिए यहाँ से 0 हो गया। ओके, देखिए यहाँ से 0 हो गया, अब मुझे डिलीट किया मैंने कलर और यहाँ मैं अप्लाई करता हूँ। ठीक है, या इस तरह अप्लाई कर लें आप, तो येलो है, ये कलर आ रहा है, यहाँ से ट्रांसपेरेंट आ रहा है। ठीक है, और अगर मैं चाह रहा हूँ जी शुरू में भी ट्रांसपेरेंट हो जाए, ये भी ट्रांसपेरेंट कर लें। ठीक है, ओके, और इसे भी ट्रांसपेरेंट कर लेते हैं। अब क्या हुआ, ऊपर ट्रांसपेरेंट है, नीचे ट्रांसपेरेंट, बीच में कलर आ रहा है। ठीक है जी, तो इसको ज़रा प्रैक्टिस करें, कुछ ग्रेडियंट बना कर देखें, पहले तो जो ऑलरेडी ग्रेडियंट बने हुए इनको ज़रा चेक करें। ठीक है, और देखें ये बहुत ज़बरदस्त बने हुए हैं। ठीक है, इसको जाएं हिट करें, देखें किस तरह कलर, सॉफ्ट कलर लिए हुए हैं। ठीक है, कलर वैल्यू उसको चेक करें, और यहाँ से भी आप ले सकते हैं, हिट करें और ये आ गए। ठीक है, ठीक है, 3 कलर्स। ठीक है, अब इनको भी फर्दर मॉडिफाई कर सकते हैं, इसको किसी को भी आप सेलेक्ट करें और इसमें एक और कलर ऐड कर लें, एक और कलर ऐड हो गया, इसको न्यू करके सेव कर लें। ठीक है जी, अब ये आपके पास, देखें, अच्छा यहाँ हमने सेलेक्ट करते हैं और न्यू ये आ गया आपके पास, ओके कर दें, अदरवाइज़ वो उसी क्यूज में हिट हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा, सेव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आ गया, अब आप इसको अप्लाई कर लें। ठीक है जी, तो इसको प्रैक्टिस करें और तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह मिलते हैं हम नई क्लास में, क्रॉप टूल के साथ। क्रॉप टूल क्या है, ठीक है, इमेज साइज़ क्या है, कैनवास साइज़ क्या है, कैनवास को अगर लार्ज करना है और ये स्मॉल करना है, रीसाइज किस तरह करेंगे, वो हम अगली क्लास में देखते हैं। ठीक है, चलें जी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।